हिजाब के बारे में इस समय पूरे देश में हंगामा चल रहा है। कर्नाटक की लड़कियों को बहुत प्लांड तरीके से हिजाब पहना के स्कूल में भेजा जा रहा है। ये वही शक्तियां हैं जो भारत का इस्लामीकरण करना चाहती हैं, क्योंकि वो जो बच्चियां पहन के जा रही हैं वो अपनी इच्छा से नहीं जा रही हैं। उनको समझाया गया है, बरगलाया गया है, उनका ब्रेन वॉश किया गया है। जब पूरी दुनिया में हिजाब फेंका जा रहा है, इस्लामिक देशों में हिजाब के खिलाफ पूरा आंदोलन चल रहा है, इस्लामिक देशों की महिलाएं हिजाब के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उस समय भारत में हिजाब पहन के स्कूल जाना ये बच्चियां अपने आप नहीं कर सकती। ये तो प्लांड वे में बाकायदा जो फोर्सेस हैं, PFI हुआ और इस तरीके के जो और भी संगठन हैं, देवबंद हुए, और भी जो इस्लामिक संगठन हैं जो भारत में गजवा हिंद करना चाहते हैं, जो भारत में एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जो भारत में एक इस्लामिक हुकूमत कायम करना चाहते हैं, उनकी ये सोची समझी साजिश है। मैं समस्या की बात नहीं करूंगा, समस्या आपके सामने है, मैं समाधान की बात करता हूं। इस देश का संविधान कहता है कि इस देश में समान शिक्षा होनी चाहिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, वन नेशन वन करिकुलम, एक देश एक पाठ्यक्रम और एक देश एक किताब। हमारे पास राइट टू एजुकेशन कानून है, केवल उसमें एक शब्द जोड़ने की जरूरत है, इक्वल। राइट टू एजुकेशन में राइट टू इक्वल एजुकेशन करना है, एक शब्द जोड़ना है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया है, तो इसका मतलब पार्लियामेंट राइट टू इक्वल एजुकेशन भी बना सकती है। राइट टू एजुकेशन में जो पढ़ने की उम्र है वो 14 साल तक है, तो पार्लियामेंट उसको 18 साल तक भी कर सकती है, अमेंड कर सकती है। जब कानून हमारा राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा, पढ़ने की उम्र 14 से 18 वर्ष हो जाएगी, तो देश की सभी सरकारें इसके लिए बाध्य हो जाएंगी कि पूरे देश का सिलेबस एक हो, पूरे देश का करिकुलम एक हो, पाठ्यक्रम एक हो। महाराष्ट्र वाले मराठी में पढ़े, कर्नाटक वाले अपनी भाषा में पढ़े, तमिलनाडु वाले तमिल में पढ़े, मलयालम में पढ़े, सब अपनी अपनी भाषा में पढ़े, गुजरात वाले गुजराती में पढ़े, कश्मीर वाले कश्मीरी में पढ़े, लेकिन सिलेबस और कंटेंट, सिलेबस और करिकुलम एक होना चाहिए। यह हमारा संविधान कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्यवश इस पर चर्चा ही नहीं हो रही है। हिजाब के ऊपर चर्चा हो रही है, हिजाब के ऊपर तू तू मैं भी हो रही है, लेकिन हिजाब दिमाग से कैसे निकलेगा इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हिजाब दिमाग से तब निकलेगा जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होगा, वन नेशन वन सिलेबस होगा, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस होगा, वन नेशन वन सिविल लॉ होगा और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ होगा। तो समाधान की बात नहीं हो रही है, केवल ट्विटर पे ट्रेंडिंग चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तू तू मैं चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन न तो कोई कह रहा है कि इस देश में सारे स्कूल जो एजुकेशन के बोर्ड चल रहे हैं, CBSE, ICSE, मदरसा बोर्ड, फला बोर्ड, ढिकाना बोर्ड, इनको मर्ज करो, वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड लागू करो, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। कोई ये नहीं कह रहा है कि पूरे देश का सिलेबस एक करो, कहेंगे मदरसे अलग चलने चाहिए, जब संविधान कहता है वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए तो चलना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है पूरे देश में, जैसे केंद्रीय विद्यालय का जो स्कूल ड्रेस होता है पूरे देश में एक होता है, केंद्रीय विद्यालय का बच्चा कच्छ का हो या कामरूप का, लद्दाख हो या लक्षद्वीप का, उसका स्कूल का ड्रेस एक होता है, क्यों नहीं हम पूरे देश में ऐसे कर 12वीं तक पूरे देश में वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू कर देते, किसने रोका हुआ है? केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस पूरे देश का एक होता है, क्यों नहीं हम पूरे देश में वन नेशन वन सिलेबस लागू कर देते? हमें क्या जरूरत है CBSE अलग चलाने की, ICSE अलग चलाने की, स्टेट बोर्ड अलग चलाने की? अगर 40 तरीके के टैक्स मिला के एक टैक्स हो सकता है, GST हो सकता है, तो 40 तरीके के एजुकेशन बोर्ड को मिला के वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो सकता है, 40 तरीके के सिलेबस को मिला के वन नेशन वन सिलेबस हो सकता है, 40 तरीके के स्कूल जो ड्रेस चल रहे हैं अलग अलग उनको मिला के वन नेशन वन स्कूल ड्रेस हो सकता है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, ये पॉलिटिकल पार्टियों की तूतू मैं चलती रहेगी, आप तूतू मैं मत पढ़िए। आप सबसे पहले समान शिक्षा की मांग करिए। समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन सिलेबस, समान शिक्षा का मतलब वन नेशन वन स्कूल ड्रेस। ये तीन चीज होगा तब सभी बच्चे, हिंदू हो या मुसलमान,
महिला हो या पुरुष, बेटी हो या बेटा, जब स्कूल जाएंगे उनका एक स्कूल ड्रेस होगा, एक जैसी किताब पढ़ेंगे, एक जैसा सोचेंगे, उससे देश की एकता अखंडता मजबूत होगी। नहीं तो हम आग के मुहाने पे बैठे हुए हैं। ये जो अलग अलग स्कूल चल रहे हैं, अलग अलग सिलेबस चल रहे हैं ना, ये बर्बाद करके छोड़ेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं, 2022 चल रहा है, ये 2022 में हो रहा है। अगर हमने समान शिक्षा लागू नहीं किया, समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू नहीं किया, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं किया, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं किया, ध्यान रखिए 2047 लिख के रख लीजिए, 2047 में इस देश का विभाजन होगा होगा होगा। क्योंकि मैंने देखा है 100-100 साल में देश बदले हैं, 100-100 साल में देशों का वजूद खत्म हुआ है। पर्सिया 100 साल में ईरान बना था, कुंभा 100 साल में काबुल बना था, तक्षशिला 100 साल में रावलपिंडी बना था, कैके 100 साल में पेशावर बना था, गंधार 100 साल में कंधार बना था, सुवास्तु 100 साल में स्वातघाटी बना था। ऐसे दुनिया भर के देश हैं, 55 से ज्यादा देश हैं, जो आज की डेट में ना उनका इतिहास कहीं आपको पता चलेगा, ना उनका भूगोल पता चलेगा, वो दुनिया के नक्शे पे नहीं है, उनका नाम बदल गया है। हम ईरान को जानते हैं, पर्शिया को नहीं जानते, हम रावलपिंडी जानते हैं, तक्षशिला नहीं जानते, हम पेशावर जानते हैं, कैके नहीं जानते, हम कंधार जानते हैं, गंधार नहीं जानते। क्यों? वो इतिहास से मिट गए। अगर हमने समान शिक्षा समान नागरिक संहिता लागू नहीं किया, घुसपैठ धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ कठोर कानून नहीं बनाया, वन नेशन वन सिलेबस लागू नहीं किया, वन नेशन वन करिकुलम लागू नहीं किया, वन नेशन वन स्कूल ड्रेस लागू नहीं किया, तो लिख लीजिए आप भी 2047 में भारत में रहेंगे, मैं भी 2047 में भारत में रहूंगा। 2022 चल रहा है, मात्र 25 साल और बचा हुआ है, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे तो ये भारत नहीं होगा। और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 1947 में एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि वो भयानक हादसा होगा। मनमोहन सिंह को एक दिन पहले पता होता ना कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा तो ढंग से अपना कपड़ा पहन के भागते, पैजामा और बनियान पहन के नहीं भागते। राम जेठमलानी जी को पता होता एक दिन पहले कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा तो कम से कम अपना सोना चांदी घर का सामान ले लेते। आडवाणी जी को नहीं पता था एक दिन पहले तक कि पाकिस्तान छोड़ के भागना पड़ेगा। पाकिस्तान के हिंदुओं को नहीं पता था कि अगले दिन उनकी हत्या हो जाएगी, अगले दिन नरसंहार होगा, अगले दिन उनकी लाशें कटेंगी, नहीं पता था। हम जिस मुहाने पे बैठे हुए हैं, हमें इतिहास से सीखना चाहिए, उन देशों से सीखना चाहिए जिनका नामों निशान मिट गया, उन संस्कृतियों से सीखना चाहिए जहां पे आज खत्म हो गई। यजीदी अब इस दुनिया में नहीं बचे, पारसी 100% थे पर्सिया में, आज वो ईरान है, वहां एक पारसी नहीं बचा है, सब भाग के भारत में आए हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की गुलामी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। ये सारे कानून इसी संविधान में है, ये संविधान की शपथ लेने वाले इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, संविधान की बात करने वाले संसद में कानूनों पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन समान शिक्षा समान नागरिक संहिता घुसपैठ नियंत्रण धर्मांतरण नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण ये सब कुछ इस संविधान में है, ये सब कुछ इस संविधान में है। जय हिंद।